सारे लड्डू हमने बना लिए हैं। ये देखिए कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं ये लड्डू। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रश्मि और आप मेरे साथ देख रहे हैं जायका रसोई। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के आटे से लड्डू। तो चावल के आटे से लड्डू बनाने के लिए हमने आधा किलो चावल का आटा लिया है। ये चावल का आटा है बारीक पिसा हुआ, वैसे तो मार्केट में भी मिल जाता है, लेकिन मैंने ये अपने घर में ही पिसवाया था, मतलब घर से चावल देकर चक्की पर पिसवाया था स्पेशली। और आधा किलो मैंने गुड़ ले लिया है। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज्यादा, 400 ग्राम भी डाल सकते हैं अगर मीठा कम पसंद है तो। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट लिया है जिसे मैंने पाउडर बना लिया है। इसमें मैं बता दूं आपको, 100 ग्राम मैंने खसखस लिया है, 100 ग्राम बादाम और 50 ग्राम तिल। तिल को मैंने रोस्ट कर लिया है और बाकी सामान को, तिल को मैंने पीसा नहीं है, पाउडर नहीं बनाया, साबुत है ये देखिए। और खसखस और बादाम का मैंने पाउडर बना लिया है। और ये आधा नारियल मैंने कद्दूकस कर लिया है, एक कटोरी है ये। तो सबसे पहले हम आटे को भून लेते हैं। तो हमने एक हैवी कढ़ाई में, यानी के मोटे तले वाली कढ़ाई में, दो से ढाई चम्मच घी ले लिया है। और अब इस घी में हम आटा डाल देते हैं और इसको मीडियम फ्लेम पर हम आटे को ब्राउन होने तक भूनेंगे। आटा हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है, ये देखिए कलर चेंज करना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं नारियल और हम नारियल को भी इसके साथ भून लेंगे। अभी हमें इसका और कलर चेंज करना है तो इसको और भून लेते हैं। नारियल डालकर भी हमने 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब ये हमारा आटा एकदम भून चुका है, इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसको एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म है तो हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो कढ़ाई हमने कर ली है खाली, अब हम इसमें चाशनी बनाने की तैयारी करते हैं। तो हम इसमें डाल देते हैं गुड़, जो हमने आधा किलो गुड़ लिया है, और इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 गिलास पानी। अब चाशनी को हम पकने देंगे। चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है, एक तरह की चाशनी हमने बना ली है, चेक करके भी देख लेते हैं हम इसको। ये देखिए चिपचिपी हो गई है, इसमें हल्का सा एक तार उठने लगा है। और अब हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे और फिर हम इसको छान लेंगे ताकि इसमें कोई गंदगी वगैरह हो वो निकल जाए। तो चाशनी हमने छान कर निकाल ली है और आटा हमने एक बड़े बर्तन में डाल लिया है। अब हम इसमें मिला देते हैं ये हमारा पिसा हुआ खसखस और बादाम, और इसमें साबुत तिल है। मैंने इसमें खसखस इसलिए लिया है क्योंकि खसखस में हमारे पास है कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर और जिंक, ये सारी चीज़ें हमें इसमें मिल जाती हैं। तो ये हमारे अनहेल्दी लड्डू नहीं, हेल्दी लड्डू बन जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें खसखस का यूज़ किया है। और मैं डाल देती हूँ इसमें इलायची पाउडर 1/4 चम्मच, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। पहले हमने आटे में एक होल बना लिया है, अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी चाशनी डालेंगे, एक साथ सारी नहीं डालना हमें, थोड़ी थोड़ी करके हम डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। हाथों पर लगा लेते हैं हम थोड़ा सा घी और फिर हम इसको हाथों से अच्छी तरह से मलेंगे। अभी थोड़ा गर्म है ये, हाथ जल रहे मेरे। अब हम
इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे ताकि हमारे हाथ जले ना, और फिर हम इसके लड्डू बना लेंगे। अब ये बहुत गर्म है और मेरे हाथ भी देखिए कितने रेड हो गए हैं, बहुत तेज़ गर्म है। तो अभी थोड़ी देर इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ज़्यादा देर नहीं छोड़ना, बस थोड़ी सी देर छोड़ देना है इसको। हल्का ठंडा हो चुका है, अब मैं इसको अपने हाथों से थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने इस तरीके से, और इसे इस तरह दबा के रख लेंगे हम। और अब हमें लड्डू बनाने हैं। लड्डू बनाने से पहले हम इसको थोड़ा हाथों में लेके इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, और हमें जितने बड़े लड्डू चाहिए उतने बड़े लड्डू बना लें। मीडियम साइज के लड्डू बना रही हूँ मैं, घी की ज्यादा जरूरत नहीं है हमें इसमें, क्योंकि हमने आटे को भूनते वक्त जो घी डाला था बस उतना ही घी इनफ है। और देखिए हमारी कितने अच्छे से लड्डू बनके तैयार हुए हैं, इसी तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं ये लड्डू। और दोस्तों आप बताइए मुझे, आपको मेरी ये चावल के आटे और खसखस के लड्डू कैसे लगे? हेल्दी लड्डू, ये हेल्दी लड्डू हैं, आप इनको रोज एक दूध के साथ खाएं तो बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए चलती हूँ, मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।